हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोरल ड्रॉ में डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम इसको F2 से प्रेस करके जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में और इंपोर्ट करने के, यहाँ से किसी चीज़ की इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ से एक पिक्चर उठानी है कोई भी, इस फाइल को हम उठा के इंपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये फाइल हमने ले ली है। और जब हम इस पिक्चर को इंपोर्ट करते हैं तो हमें इस पेज पे कई पिक्चर्स इस टाइप से दिखानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको, इसका साइज यहाँ पे जाके आपको 3x2 दे देना है। ये देखिए, ये आ गया आपका 3x2 का साइज। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको उठाना है, शिफ्ट प्रेस करके आप चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपने यहाँ पे ले लिया, इसको शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से इतना आप कॉपी कर दीजिए, ये जितना भी आपने डिस्टेंस लेना है। लेने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल आर, याद रखिएगा कंट्रोल आर, जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक के बाद एक ये डुप्लीकेट होती चली जाएंगी। ये देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी इमेज आ गई है इतनी। अब इसको आप यहाँ से आप जाके कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप कर लीजिए। ये देखिए, कंट्रोल जी ग्रुप कमांड आ गई है यहाँ पे। कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब ये, अब ठीक वैसा ही आपने करना है, इस सारी इमेज को उठा के यहाँ पे लेके जितना आपको चाहिए मार्जिन शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए ताकि ब्लेड लगने में दिक्कत ना हो और कटिंग में दिक्कत ना हो। और ठीक इसको कंट्रोल आर कर दीजिए फिर। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जब भी आप इस पे यहाँ पे आप इसको किसी भी चीज को डिजिटल प्रिंटिंग पे अगर लेके जाएंगे और इसकी प्रिंटिंग कराते हैं तो इसमें नॉर्मली आपकी शार्प कटिंग इस टाइप से आपकी हो जाएगी और आपको ब्लेड एकदम सिंपली इसमें कट हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको और कई नई बातें, तब तक के लिए नमस्कार।